कोरोना के संक्रमण से पूरा भारत कराह रहा है। बावजूद इसके लॉकडाउन 4 के बाद अब अनलॉक 1 की रियायत शुरू हुई है। 3 चरणों में शुरू होने वाली इन रियायतों को लेकर केंद्र सरकार ने तो गाइडलाइन जारी कर दी है, मगर उसने राज्यों को फैसला करने का अधिकार भी दिया है कि वो तय करें कि उनके सूबे में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है और वह ऐसे संकट काल में क्या फैसले लें। वास्तव में जो लंबे समय से प्रतीक्षारत हमारे उद्योग थे उनको राहत मिलेगी और शायद ये देश की बड़ी जरूरत थी जिसे खोलने की कोशिश की है। समय भी इतना दिया है कि हम साफ सफाई के साथ में चीजों को प्रारंभ कर पाएंगे। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद कई राज्यों ने अपने अपने सूबे में नई गाइडलाइंस जारी की है। गुजरात में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा देखिए। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें सभी जिलों में चलेंगी। सभी सरकारी ऑफिस सोमवार से खुलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल केंद्र के नियमों के आधार पर खुलेंगे। राजस्थान सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं। 1 जून से सभी पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। पहले और दूसरे हफ्ते में टूरिस्ट मुफ्त में पर्यटन स्थल पर जा पाएंगे। तीसरे सप्ताह आधे पैसे देकर पर्यटन स्थल पर जा सकेंगे। चौथे सप्ताह पर्यटन स्थल का पूरा शुल्क देना होगा। जू और रणथंभौर टाइगर रिजर्व पार्क खोल दिया गया है। नाइट टूरिज्म और लाइट एंड साउंड शो बंद रहेंगे। पंजाब सरकार ने कहा है कि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन किया जाएगा और केंद्र की गाइडलाइंस को ठीक से पढ़कर सूबे की गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। उधर यूपी के सीएम भी दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से मुखातिब होंगे। बहुत संभव है कि वो सूबे की गाइडलाइंस पर बात करें। जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग है। इस समय उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर है सब राज्यों में। योगी जी ने एक प्रकार से उत्तर प्रदेश की एक मिसाल भी कायम कर दी है उनके नेतृत्व में, और जिस प्रकार से पूरे भारत की तारीफ हो रही है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की भी चर्चा उसमें होती है, विश्व भर में हो रही है, तो उसमें क्या निर्णय लेते हैं देखते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की गाइडलाइंस जारी होने के पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो राज्य में लॉकडाउन बढ़ाएंगे। स्कूल खुलेंगे 13 जून के बाद। अब कोरोना है वैसे तो कोशिश होगी कि स्कूल खुल जाए, अभी तक खुलना तय है लेकिन अंतिम फैसला तो थोड़े दिनों के बाद लेंगे। अभी शुरुआती दौर है, एक दिन बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि अनलॉक 1 में कौन से राज्य कितनी रियायत देंगे और कोरोना की लड़ाई को किस ढंग से लड़ेंगे।